Hey guys, welcome back to my channel. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुकिंग वोकैबुलरी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज कम तेल में तलना. जब खाने को कम तेल में तला जाता है तो उसको बोलते हैं शैलो फ्राई. नेक्स्ट इज ज्यादा तेल में तलना. जब खाने को ज्यादा तेल में तला जाता है तो इसको बोला जाता है डीप फ्राई. नेक्स्ट इज बारीक टुकड़ों में काटना. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं प्याज को बहुत ही बारीक टुकड़ों में काटा गया है तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है चॉप. नेक्स्ट इज समान भागों में बांटना. सो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है स्लाइस. नेक्स्ट इज छीलना. छीलना को बोला जाता है पील. नेक्स्ट इज कूटना. सो इसको बोला जाता है टैम्प. नेक्स्ट इज धीरे धीरे पकना. तो जब खाने को कम आंच पर पकाया जाता है तो इसको बोला जाता है सिमर. नेक्स्ट इज उबलना. सो इसको बोला जाता है बॉइल. नेक्स्ट इज सेकना या फिर ताप से पकाना. इसको बोला जाता है बेक. नेक्स्ट इज कद्दूकस करना. इसको बोला जाता है ग्रेट. नेक्स्ट इज सेकना. सो ब्रेड को जब सेका जाता है तो इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो है टोस्ट. नेक्स्ट इज छानना. जब आटा वगैरह को छाना जाता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है सिफ्ट. नेक्स्ट इज छानना. जब लिक्विड को छाना जाता है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है स्ट्रेन. नेक्स्ट इज किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलना. जब एक ग्लास से दूसरे ग्लास में लिक्विड को ट्रांसफर करा जाता है तो इसे बोलते हैं पोर. नेक्स्ट इज काटना. इसके लिए वर्ड यूज होता है कट. नेक्स्ट इज डुबोना. इसके लिए वर्ड यूज होता है डिप. नेक्स्ट इज फेटना. इसके लिए वर्ड यूज होता है विस्क या फिर बीट. नेक्स्ट इज बारबेक्यू. सो जब खाने को डायरेक्ट आग पर पकाया जाता है तो इसे बोलते हैं बारबेक्यू. नेक्स्ट इज ग्रिल. इसको इंग्लिश में भी ग्रिल ही बोला जाता है. नेक्स्ट इज हिलाना. सो खाना कहीं जल ना जाए तो खाने को बार बार हिलाते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टिर. नेक्स्ट इज मिलाना. सो सभी चीजों को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो इसे बोलते हैं मिक्स. नेक्स्ट इज मिला देना. सो सभी चीजों को जब आपस में अनइवन टुकड़े करके मिला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं स्क्रैम्बल. नेक्स्ट इज भाप में पकाना. सो इसको बोला जाता है स्टीम. नेक्स्ट इज मापना. इसको बोला जाता है मेजर. नेक्स्ट इज गूथना. इसको बोला जाता है नीड. नेक्स्ट इज लोई बनाना. लोई बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है मेक द डो बॉल्स. नेक्स्ट इज रोटी बेलना. इसको बोला जाता है रोल आउट. नेक्स्ट इज सेकना. इसको बोला जाता है बेक द रोटी. नेक्स्ट इज पलटना. इसको बोला जाता है फ्लिप. नेक्स्ट इज फुलाना. जब रोटी या पूरी वगैरह को फुलाया जाता है तो इसको बोलते हैं पफ अप. नेक्स्ट इज सजाना. इसको बोला जाता है गार्निश. नेक्स्ट इज परोसना. इसको बोला जाता है सर्व. नेक्स्ट इज पकाना. इसको बोला जाता है कुक. नेक्स्ट इज पीसना. सो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कॉफी बीन्स को पीस कर इसका बारीक पाउडर बनाया जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राइंड. नेक्स्ट इज परत. सो जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक करके केक की जो परत बनाई गई है तो इसको बोलते हैं लेयर. नेक्स्ट इज पिघलना. सो आइसक्रीम जो पिघलने लगती है तो उसको बोलते हैं मेल्ट. नेक्स्ट इज फैलाना. सो इसको बोला जाता है स्प्रेड. नेक्स्ट इज निचोड़ना. इसको बोला जाता है स्क्वीज. नेक्स्ट इज चुटकी भर. सो जब एक चुटकी नमक लिया जाता है तो उसको बोलते हैं पिंच. नेक्स्ट इज छिड़कना. सो इसको बोलते हैं स्प्रिंकल. नेक्स्ट इज घोलना. जब नमक या फिर चीनी वगैरह को पानी में घोला जाता है तो इसे बोलते हैं डिसॉल्व. नेक्स्ट इज चखना.
इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है टेस्ट। नेक्स्ट इज तोड़ना, इसको बोला जाता है ब्रेक। नेक्स्ट इज अलग करना, इसको बोला जाता है सेपरेट। नेक्स्ट इज छोंक या फिर तड़का लगाना, इसको बोलते हैं सीजन। नेक्स्ट इज मसलना, इसको बोला जाता है मैश। नेक्स्ट इज भूनना, इसको बोला जाता है रोस्ट। नेक्स्ट इज जमाना, जब दही को जमाते हैं तो उसको बोलते हैं सेट। नेक्स्ट इज मथना, तो जब दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्न। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।